पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर सगरा शमी साहब का कंग्रेचुलेट करता हूँ, बरकात देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा अच्छा इवेंट इंटर मीडिया के ऊपर और फिर जो जान को गर्व को और फैलाव कुरान मजीद की आयत के साथ मुझे बरकान शमी साहब ने इसको एक आयत में जो है ना कन्वर्ट कर दिया। ये कुरान करीम यही ट्रांसलेशन बनती है इस ट्रांसलेशन इसकी कुरान मजीद की इस आयत। बहरहाल आप लोग मेरे स्कूल तलबा यहाँ पर मौजूद, मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। मैं ऑनेस्टली दो बड़े नाम तीन बड़े नाम जो यहाँ पर तशरीफ रखती हूँ, मुजीबुररहमान शामी साहब, सुजीन भाई साहब, ये वो हस्ती हैं जो मीडिया के अंदर मैं अभी आने लगा हूँ, इनका बड़ा नाम है। और जो हमारी सोसाइटी अगर किसी चीज़ पे आप ऐसे कानून को मुतफिक हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे स्टेज पे जो हजार तस्वीर उस्मान भी नजर आया मुझे, इनका प्रोग्राम मैं बड़ा गौर से सुनता भी हूँ, ये वो लोग हैं जिनको आपके मीडिया में इनका बड़ा नाम है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये आपके सामने पहले कहीं यहाँ पर मौजूद। मैं मुनीर साहब का पीटीएन एनपी और चेयरमैन साहब और बकिया जो जजेस हैं जिसमें मैं उनका बड़ा नाम देना जरूरी है, एम मुनीर साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, जान मीर साहब, मुनीर अहमद खान साहब, अमजद परवेज, मलिक साहब, उस्मान तेरा नाम तो है नहीं है और ऊपर है आगे मेरे ख्याल में आपने बड़ा अच्छा किया मैडम सवेरा। देखिए इंस्टीट्यूशंस की जो लर्निंग है, जो हमारे बच्चों की जो लर्निंग है, एक ये है कि आप क्लासरूम के अंदर अपने असातिज़ा इकराम से कुछ चीज़ें सीखते हैं। और जैसे यहाँ पे फरमाया गया सुहेल भाई साहब हमारे कि देखें ये जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो इस वक्त इस मीडिया को अप्लाई कर रहे हैं, मुनीर साहब हूँ या मलीर साहब हूँ या उस्मान साहब हूँ, इनके साथ आपका इंटरेक्शन आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो एक उस्ताद है वो कोशिश करता है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज उसके पास है या एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल फील्ड में उन्होंने काम किया, लेकिन प्रैक्टिकली ये लोग जो काम कर रहे हैं उनको क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। और मैं एज ए लेमैन और स्टेक होल्डर्स मैं इसको बड़ी अच्छे तरीके से जो आपने टाइटल सवेरा दर्शा आपने चूज़ किया, हम बहुत बाजार में उसकी बाज अफात इसका इफेक्ट ही रहते हैं। मैं कल की एक आपको एग्जांपल देता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, एक छोटी सी खबर फैलाई गई और ये मैं अक्सर देखता हूँ जिस वक्त भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो उसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन मीडिया इंटरनेशनल मीडिया उसको पिक कर लेता है। यहाँ पे कल कहा गया कि होली मनाई जा रही थी और स्टूडेंट्स के ग्रुप ने जाके उसके ऊपर अटैक कर, अच्छा इस चीज का रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यस हमने उसकी इजाजत दी, इजाजत एक लोकेशन पे थी, वहां पे बच्चे अभी गए नहीं है, उन्होंने अपने तौर पर एक जगह को चेंज कर दिया, वहां पे दूसरा ग्रुप पहुंच गया, लेकिन उसमें कहा गया कि हिंदू को मारा गया अपना। देखिए एक जहाँ पे 1 लाख बच्चा रोजाना यहाँ पे आता हो, हमारे फैकल्टी मेंबर्स की मूवमेंट होती शुरू होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने इसको उछाला या नेशनल मीडिया पे इसके साथ इसके हवाले से बात की गई, नहीं मैं नहीं समझता कि उसका 30% भी उसके रियलिटी, लिहाजा आपका जो टॉपिक है। एक दूसरे मौके पे मेरे पास एक अप्लीकेशन आती है, बच्चे कहते हैं हमारे इश्यूज हैं आप जो है इनको देख के, मैंने कहा ठीक है। बाद में ये कुछ 12 लड़के एक डिपार्टमेंट से मूव करते हैं और 7-8 चैनल टीवी चैनल उनके साथ मूव करते हैं कि ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और ये अपने मुतालबात के हक। अच्छा जो अप्लीकेशन थी, अगेन एक बंदा जो इस्लामाबाद में बैठा है उस टीवी चैनल को वॉच कर रहा है, वो कहेगा पता नहीं क्या हो गया,
इस तरह की चीजें जो आप प्रोफेशनल लोग हैं, जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, आपको लाजमी तौर पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, आप जिस वक्त उस मीडिया चैनल के ऊपर उसको रिले करें, उसको पब्लिश करें, उसको ऑन करें, तो आप कन्फर्म हो कि आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। और फिर आप बेशक जितने जितने लेवल पे जो है ना, मेरे ख्याल में जो जो ठीक चीज है उसे बताने में हर्ज नहीं, और वो अगर मेरे खिलाफ है या ए बी सी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, या वो रियलिटी उस चीफ एग्जीक्यूटिव को एक्सेप्ट करनी चाहिए, वट एवर इज द रियलिटी, और अगर रियलिटी है उसको अपने आप को ठीक करना चाहिए, और अगर उसमें रियलिटी नहीं है, मैं तो इस वक्त ये देखता हूँ बाद मेरे जो ऑफिसर हैं वो पहले गुजार नहीं, उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें रियलिटी नहीं है, ये दूसरा पार्ट है अगर उसमें रियलिटी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है, आप ज़रूर देखें कि हकीकत क्या है, और ये जो लोग मीडिया से हैं आपकी चैनल के ऊपर देखते हैं, आप ज़रूर इनको भी अवेलुएट करें, परखें कि आपको रियल अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि हमारा मीडिया डिवाइड हो चुका है, जिस वक्त गुफ्तगू हो रही होती है मैक्सिमम, लेकिन ऐसे लोग ज़रूर हैं, मैं अगर यहाँ पे सामने जो मेरे दोस्त भाई बैठे हैं मैं इनको बहुत हाई रेट करता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चैनल्स के ऊपर मैं जिस वक्त बात देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता है कि इन्होंने क्या कहना, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन आपका जो रोल है इम्पार्शियल, आपके पास खबर पहुँची है उसकी तय करना है, और अपना ओपिनियन देने की अगर किसी जगह पर आप एनालिस्ट हैं, यस आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक एनालाइजर के तौर पर एनालिस्ट के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन फेक इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना वो ठीक नहीं आ रहा, एक प्रोफेशनल्स के लिए ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। वंस अगेन डॉक्टर साहब, ये आसान काम नहीं है, मैं मुनीर खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमारे डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट के साथ, और सवेरे शामी साहब का इन्होंने और इनकी टीम ने इसके लिए एफर्ट की, और इतने बड़े हाल में सबको असेंबल किया और बच्चों का अच्छा कंपटीशन कराया। मैं आपको मन से गया आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आखिर में मैं शामी साहब ने एक डिजिटल मीडिया के हवाले से फरमाया है, पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में हम इसको ऐसे ले रहे हैं कि ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे बिलीव यू मी समझ में रिप्लेस, इसलिए जो इस वक्त लेटेस्ट मॉडर्न टूल्स हैं आपके सब्जेक्ट के, आपको हर वक्त उसके साथ इक्विप होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे, अगर यही डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म जिसको मैंने देखा अबाउट 30 years बैक एक फ्लोर के ऊपर था और उसके पास चंद कमरे थे, और उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट से ये अब स्कूल में, मेरा ख्याल था कि इसको मैं फैकल्टी लेवल पे जो है इसको बनाऊँ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज, लेकिन एटलीस्ट इतना है जो लेटेस्ट हमारे सब्जेक्ट्स हैं एरियाज हैं उसके ऊपर हमने डिपार्टमेंट्स बनाए, और इनके जो अब ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप भी जिस वक्त अपने फील्ड में हों, प्रोफेशनल लाइफ में हों, आप अपने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एक तीन चीज़ें हैं, अगर आपने इन चीज़ों को कंसीडर किया तो आप समझे कि आप एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं और इंडिविजुअल्स। नंबर वन, जहाँ पे भी आप काम करें आप उसका सिस्टम को देखें, पहले उस सिस्टम को एनालाइज करें कि यहाँ पे मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है। नंबर टू, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसको देखें कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का सोशल सिस्टम क्या है, और उसके मुताबिक आपने काम करना है। और तीसरी चीज़ जो अहम है, टेक्नोलॉजी के साथ आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इक्विप करना, ये तीन चीज़ें वो ऑर्गेनाइजेशन करें, वो इंडिविजुअल करें, या वो मुल्क करें, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। तो वंस अगेन मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जजेस का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुनीर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इन बच्चों के लिए, हमारे यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे स्कूल के लिए टाइम निकाला और हमें चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।